इन दिनों सलमान खान साहब टीवी पर नजर आ रहे हैं अपने शो 10 का दम के साथ, और शो पर नित नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे उनके बारे में, चाहे परिवार के बारे में, चाहे दूसरी चीजें। बस इसी तरह सलमान ने इस बार एक मजेदार पर दुखद किस्सा सुनाया, और ये किस्सा जुड़ा हुआ है उनके पिता सलीम खान से, कैसे सलीम खान ने अपनी खुद की जान बचाई थी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। 10 का दम शो पर हर एपिसोड के साथ दर्शकों को होस्ट सलमान के बारे में नई नई बातें जानने को मिलती है। सेट पर सलमान मजे करते हैं, उनके पास दर्शकों को सुनाने के लिए हर रोज कोई ना कोई कहानी होती है। हाल ही में सलमान ने 10 का दम के सेट पर ही एक ऐसा किस्सा सुनाया जो सलीम खान से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस एपिसोड में बेंगलोर से फातिमा और मुंबई से संस्कृति मौजूद थी। सलमान ने उनसे सवाल किया, कितने फीसदी लोग कम से कम एक बार अपनी बीवी को उठाते हैं। इस मजेदार सवाल के बाद सलमान ने एक मजेदार लेकिन दुखद किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार उनकी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उनका पैर टूट गया, 9 फ्रैक्चर आए थे। इस घटना से घर में मौजूद सभी लोग घबरा गए और उन्हें उठाने के लिए दौड़े, लेकिन जब लोग उन्हें उठाने के लिए पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि उनकी माँ जोर जोर से हंस रही थी। इसके बाद उन्होंने अपने पति सलीम खान से उन्हें उठाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सलीम खान ने उन्हें उठाने के बजाय सीधा मना कर दिया और मजाक में कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो सीधे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। जिसके बाद तीनों भाई सलमान, सोहेल और अरबाज आए और उन्हें उठाया, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले गए। तो इस तरीके से सलमान ने मजेदार वाक्या सुनाया। सेट पर एक सोर्स ने बताया कि सलमान खान ने जिस तरह ये सारा वाक्या सुनाया, उस मौके पर कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। ये किसी ऐसी फनी मूवी की तरह था जिसमें लोगों को स्क्रीन पर किसी का दर्द देखकर भी हंसी आती है। 10 कदम शो पर भी जब सलमान ने ये किस्सा सुनाया तो सब हंस पड़े थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।